नमस्कार युवा जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है हर सप्ताह हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे विषय जो जुड़े होते हैं युवाओं से आज हम बात करने वाले हैं वीर बालाओं और युवाओं के बारे में सपने कभी भी जादू से पूरे नहीं होते दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत चाहिए होती है उन सपनों को आकार देने के लिए और ऐसी ही एक जो कोशिश होती है वो सभी की होती है कि वो कुछ ऐसी मेहनत करे कुछ ऐसे दृढ़ संकल्प करें कि अपने देश की रक्षा में वो कुछ तरीके से योगदान दे सकें दर्शकों अब हम बात करेंगे मौजूदा समय में यहाँ प्रशिक्षण ले रहे कुछ छात्राओं से आजकल हम जहाँ मिलिट्री सर्विसेज़ की बात करते हैं वहां पर बहुत सी ऐसी लड़कियां भी हैं जो मिलिट्री सर्विसेज में अपनी सेवा देना चाहती हैं। और इसी का प्रशिक्षण लेने वे पहुंचती हैं कुछ ऐसी संस्थानों में जहां पर उन्हें एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ साथ एक अवसर मिलता है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का अर्चना आप यहां पर कितने समय से मौजूद हैं और आपको किस किस तरीके की जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है मैम हमें यहाँ पर लगभग दो महीने हो चुके हैं और हमें यहाँ पर टफ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इट इज़ इक्वल टू जो हमारी क्वालिफ़िकेशन होती है आर्मी में जाने के लिए वो हमें ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है इसमें इंक्लूड है हमारी वार्म अप एक्सरसाइजेज़ उसके बाद होती है हमारी जो रनिंग वगैरह होती है उसके बाद हमारी लॉन्ग जम्प होती है हाई जम्प होती है और उसके बाद हमारी कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेज़ यहाँ पर होती हैं सेम रूटीन हमारा सुबह और शाम को मतलब डेली बेसिस पे यही शेड्यूल है आप इतने समय से यहाँ पर हैं कैसा आप महसूस कर रही हैं यहाँ पर एक मैम जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था हम बहुत ज़्यादा हेजिटेशन के साथ यहाँ पर आए थे हमने धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करा है और अब हम एक ऐसे लेवल पे पहुँच चुके हैं कि हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हम अब किसी भी कॉन्फिडेंस को ईजिली क्लियर कर सकते हैं कविता uh, आपने यहाँ पर अलग अलग प्रशिक्षण लिए होंगे अलग अलग तरह की आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं आपको मिलती हैं कैसी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं और कैसे आपका यह आत्मविश्वास बढ़ाने में और आपकी जो ट्रेनिंग है उसको निखारता है अभी तक हमने देखा जैसे हम हमको यहाँ फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ कंप्यूटर क्लासेस में ई कॉमर्स की क्लासेस भी चल, चलाई जाती है ज, जो कि हमें आगे जाके रोजगार व स्वरोजगार के लिए भी आगे मार्ग दिखाएगा कैंप ने हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की, की है और हर चीज़ मतलब डिस, डिसिप्लिन में हर चीज़ डिसिप्लिन एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि हमें अपने डेली लाइफ में फॉलो करना पड़ता है फोन फॉलो करना जरूरी है तो तो उसी चीज़ उसी में हमको डिसिप्लिन में रखा जाता है शिवानी यहाँ पर आपको किस किस तरीके की जो आ, आपका जो रूटीन होता है आपका शेड्यूल है वो कैसा है और कैसे आपको ट्रेनिंग्स जो हैं अलग अलग तरह की वो दी जाती हैं मैम हम सुबह पाँच बजे उठ जाते हैं और पाँच से छः हमारा फ्रेश होना ये सब होता है फिर छः बजे से हमारी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है फिर छः से साढ़े सात आठ बजे तक हमारी ट्रेनिंग चलती है उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट होता है ब्रेकफास्ट के बाद ब्रेकफास्ट हमारा साढ़े आठ से नौ के बीच जाता प्रेक्ष्ट हमारा प्रेक्ष्ट हमारा प्रेक्ष्ट हो जाता है उसके बाद हमारी जो है लेक्चर क्लासेस लगाई जाती हैं लेक्चर क्लासेस लगाने के बाद एक घंटे लेक्चर क्लासेस लगाई जाती है उसके बाद हम उसके बाद हमारा रेस्ट होता है थोड़ा शाम की पीटी होती है चार बजे से सात साढ़े सात तक पीटी होती है यहाँ पे उसके बाद हम रात को जो भी हमारा जो भी हाइजीन वगैरह जो भी होता है ये सब मेंटेन करते हैं और रात को जो भी स्टडी वगैरह अगर करनी हो किसी को क्योंकि यहाँ पे मैम काफ़ी लड़कियाँ हैं जिनका अभी रिटर्न है और तो वो उस चीज़ की तैयारी करती है रात के टाइम नीमा हमें बताएं कि कैसे कौन कौन सी जो आपकी ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं क्या क्या उनके नाम हैं क्या क्या समय है उनका और कैसे कैसे आप उस ट्रेनिंग को पूरा करती हैं येस मैम सुबह तो हम उठ जाते हैं अपने टाइम पे उसके बाद छः बजे हमारा फॉल इन होता है बास्केटबॉल ग्राउंड है हमारे हॉस्टल के अंदर वहाँ हमारा फॉल इन होता तो छः बजे हम इस ग्राउंड में आते हैं और यहाँ साढ़े छः से साढ़े छः तक हमारा एक्सरसाइज होता है नॉर्मल और उसके बाद हमारी रनिंग पहले स्टार्ट होती है हल्का रनिंग करते हैं उसके बाद स्प्रिट मंगवाए जाते हैं उसके बाद हमारा लॉन्ग जम्प होता हाई जम्प होता उसके बाद हम हमें मतलब स्ट्रेचिंग कराई जाती है ताकि किसी किसी के पैर हाथ पैर न मुड़े किसी को कोई दिक्कत ना उसके बाद योगा होता है हमारा उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते हैं तो शाम को भी सेम यही होता है और जैसे कि ऐसा होता है ना कि हम मतलब कि एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं और उसके साथ यहाँ बहुत एक्टिविटीज कराई जाती है जिसमें से खुखरी डांस और एरोबिक डांस था तो उसमें हमारी हाल ही में पच्चीस लड़कियाँ गंगोत्री गई थी अपने इंस्ट्रेक्टर के साथ और वहाँ गई थी वहाँ बहुत अच्छा लगा जैसा कि आपने हाँ जाना कि यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज जो हैं कराई जाती हैं समय समय पर इन्हें नई नई जगहों पर भी ले जाया जाता है और एक एक्सपोजर दिया जाता है इसी प्रक्रिया में हम आगे जानेंगे कुछ और छात्राओं से आपकी यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य रहा और क्या आपको ऐसी प्रेरणा मिली कि आप यहाँ पर आई और यहाँ पर प्रशिक्षण आप ले रही हैं मैम मेरा एक बचपन से एक ड्रीम था वो मेरे पापा का ड्रीम है कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं फोर्स ज्वाइन करूं भले वो कुछ भी हो मैं देश की रक्षा करूं चाहे वो आर्मी हो डिफेंस पुलिस हो या आई टी बी एस एस बी या एस कुछ भी हो बट बट वो चाहते हैं कि मैं ड्रेस में दिखूं ना तो ये तो मैं इसलिए यहाँ पे अपना इसलिए ट्रेनिंग के लिए आ रखी हूँ मैं हमारे पहाड़ में ये होता है कि थोड़ा फैमिली डरे रहते हैं कि हमारी बेटी को अकेले कहाँ भेजें क्या करें क्या किस तरह से वो अपना वो करेगी तो फिर उसके बाद फिर मैंने घर में जब बात कर रही थी घर वालों को थोड़ा सा हो रहा था मैम प्रॉब्लम हो रहा था कि दादी लोग बोल रहे थे कि रहने दो कहाँ जा रहे हो यहीं से तैयारी करो लेकिन फिर मैंने उन्हें कन्वेंस किया कि नहीं दादी ऐसा नहीं होता है अगर आपको मुझ पर बिलीव है तो आप मुझे भेजिए और ये होता है कि मैम अगर अगर हम सही हैं तो हमें कोई कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर फिर मैं यहाँ आई फिर यहाँ से मुझे स्टेप बाय स्टेप मतलब पता चला ये था कि घर में भी रनिंग होती थी मैम घर में भी फिजिकल तो हम करते हैं हर जगह करते हैं लेकिन ये होता है कि यहाँ पर हमें एक एक वो ग्राउंड मिल जाता है एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हमें किस तरह से क्या करना है किस तरह से क्या करना है तो यहाँ पे हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है आपने यहाँ पर क्यों इस प्रशिक्षण को लिया और क्या आप कुछ और भी साथ में कर रही हैं या कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जैसे इन्होंने बताया क्या क्या आपके आगे जीवन में लक्ष्य हैं क्या आप करना चाहती हैं आगे स्टार्टिंग तो मैम मेरी पिछले साल ही होगी थी क्योंकि स्पेशल हम पिछले साल इंडोलाघाल में आए थे हम मेडिकल के लिए तो जब मेडिकल क्लियर हुआ उसकी मेडिकल पिछले साल क्लियर हुआ इस साल तो इस साल कैंप लगाया तो इस कैंप का बहुत टाइम से वेट था तो एक साल बाद पूरे एक साल बाद ये कैंप लगाया तो जब इस कैंप के बारे में पता लगा कि लड़कियों की भर्तियाँ आई हैं और ये कैंप शुरू भी हो गया और जब ये कैंप शुरू हुआ तब तो मेरे साथ में एस का भी रिटर्न भी क्लियर हो गया था तो उस टाइम पर य था कि पढ़ाई में ठीक थे तो मार्क्स भी अच्छे आ गए थे पर फिज़िकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था तो जब यहाँ पे आए यहाँ पे टीचर्स से मिले और बाकी सब से भी मिले तो जब मैंने इस ग्राउंड इसी ग्राउंड के जब मैं राउंड मारने शुरू किए थे तो पहले दो दिन तीन दिन मैं रोई भी थी और मैंने अपने पापा को बोल दिया था कि पापा मैं वापस आना है वो भी बोल देते थे कि चलो कि चलो नहीं हो रहा है तो आ जा बट उनके भी दिल में ये था कि मेरी बेटी ज़रूर कुछ करेगी और वो करके दिखाएगी तो धीरे धीरे जैसे हुआ यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है छोटी छोटी चीज़ें डिसिप्लिन से लेके भागना दौड़ना जो चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं भाग लूँगी या फिजिकल क्लियर कर लूँगी वो मैंने यहाँ पर किया है जैसा कि हमने जाना कि यहाँ पर लड़कियाँ सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं बाहर से भी आई हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाना चाहती हैं सिर्फ आर्मी ही नहीं एसएससी और अन्य जो हमारी पुलिस सेवा हैं सब में उनका वो अपना परचम लहराना चाहती हैं जैसा कि जानती ही हैं कि पहले से जो है पुरुषों को यहाँ पर जो आर्मी वगैरह सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर उन्हीं को ही सेवा करने का मौका मिला था और अब जवान के तौर पर ये भर्ती जो खुली है आप कैसे से देखती हैं और आपको कैसे इसमें आगे जो है प्रेरणा मिली ये करने की और यहाँ पर प्रशिक्षण लेने की मुझे ये होता है कि सर लड़कों की सबसे ज़्यादा भर्तियाँ आती है यहाँ पे लड़कियों की कम आती है जो जब यहाँ पे जब सीएमपी की भर्तियाँ निकली थी तो हमने सब ने फॉर्म भरा था पर उसमें कट ऑफ गया तो मतलब हम जितने थे मतलब तो यहाँ से निकले हैं बच्चे तो हमारे नहीं हैं तो हम अभी और मेहनत कर रहे हैं ताकि और भर्तियाँ आएँ ताकि हम भी उसमें जाएँ तो लड़कियाँ भी मतलब अपनी मेहनत पूरी कर सकती हैं पूरा मतलब फिजिकल बेस्ट करके अपनी आर्मी में भी जा सकती हैं फरीन जैसा कि आपको शायद जब आपने प्रशिक्षण के लिए बोला होगा आपको भी एक लड़की होने के तौर पर क्या पता ऐसी समस्याएं मिली होंगी कि आप ज्वाइन ना करें या आप यहाँ पर ना आए तो कैसे आप देखती हैं कि कैसे धारणाएं बदल रही हैं आज महिलाओं के लिए कैंप खुला तो मुझे ल, उनमें लड़कियों की भर्तियाँ आई हैं तो मुझे जब ये सुनने को मिला तो मेरे घर वालों ने मेरे को फोर्स किया कि बेटा जा तो वहाँ कर और कुछ बन के कुछ बनना अपनी ट्रेनिंग करना और कुछ बन के आना मैंने मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी वहाँ पे और करके आऊंगी और मैं यही बोलूंगी कि लड़कियाँ बहुत बहुत कुछ कर सकती हैं आज की डेट में क्योंकि लड़कियाँ पीछे नहीं पीछे नहीं रहनी चाहिए लड़कों से भी बहुत बेस्ट कर सकती है लड़कियाँ आज की डेट में आज के समय में धारणाएँ बदल रही हैं अब महिलाएं सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं हैं बल्कि देश की रक्षा करने के लिए भी वह सक्षम हैं इसी बात पर हम आगे कुछ अन्य लड़कियों से मिलेंगे जो अपने अनुभव हमसे साझा करेंगी सिमरन आजकल बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं जो उपलब्ध हैं आपने ये राह क्यों चुनी नौकरियां तो बहुत सारी होती है लेकिन आर्मी की वर्दी में जो रिस्पेक्ट होती है वो शायद हमें कहीं नहीं मिलती सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट हमारी आर्मी की होती है वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ करते हैं अपनी जान तक दे देते हैं और मेरे इंस्पिरेशन मेरे ग्रैंडफादर मेरे पापा और मेरे नाना जी हैं मेरे ग्रैंडफादर बंगाल इंजीनियर से रिटायर्ड हैं मेरे फादर भी आर्मी में अक्सर उसमें रह चुके हैं आरती क्या आपके यहाँ पर आने की प्रेरणा रही है और कैसे आप देखती हैं इसको एक देश सेवा के लिए कैसे आप इसको एक अवसर देखती हैं मेरे फादर भी आर्मी में थे बंगाल इंजीनियरिंग में तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा कि मैं भी आर्मी में था तो आप भी आर्मी में जा सकते हो सो वहीं से मैंने एसएससी के फॉर्म फिल करे थे 2018 में और उसके बाद उसमें रिटर्न क्वालिफाई हो गया था फिर मैंने फिजिकल क्वालिफाई कर दिया है और अब मेडिकल के लिए अगर पास हो जाऊँगी तो मैं भी आर्मी में जाऊँगी और अपने पापा का सपना पूरा करूँगी दर्शकों जैसा कि हमने जाना कि यहाँ पर तमाम ऐसी लड़कियाँ मौजूद थी जो देश सेवा को ही अपना कर्तव्य मानती हैं और अपना जो भविष्य है इसी में बनाना चाहती हैं और देश सेवा के लिए ही अपनी जो जान है वो निछावर करना चाहती हैं। दर्शकों अब हम बात करेंगे रेखा अग्निहोत्री जी से जो कुछ समय से यहाँ पर युवा छात्राओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। रेखा अग्निहोत्री जी आप यहाँ पर कब से हैं और किस किस तरीके के जो प्रशिक्षण हैं आप यहाँ पर लड़कियों को देती हैं 2016, 17 एंड 18 कंटिन्यू लड़कियों को ट्रेनिंग देते हुए आ रहे हैं हम लोग लड़कियों को ट्रेनिंग देने के दौरान जो मुझे एक्सपीरियंस पता चला कि जो पहले के घर वा माँ बाप होते थे जैसे ही मेरे घर वाले हैं तो उन्होंने मुझे काफ़ी फ्रीडम दिया कि आप बाहर जाओ आप ये काम करो और आपको फौज में जाना है फ़ौज में जाओ आपको इंस्ट्रक्टर बनना है या माउंटेनियरिंग करना है तो आप माउंटेनियरिंग करो अभी क्या है अभी काफ़ी टाइम से काफ़ी ओपन हो चुके हैं घर वाले जो माँ बाप हैं काफ़ी लड़कियों के जो ओपन हो चुके हैं वो अभी काफ़ी भेज रहे हैं अपने बच्चों को कि ताकि आप आर्मी में जाओ पुलिस में जाओ पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने के लोग जो होते थे या माँ बाप होते थे वो बोलते थे अपने बच्चे को कि आपको नहीं जाना है पुलिस में पुलिस में ऐसा होता है या वैसा होता है और लड़कियों को घर के अंदर ही रखा जाता था उनको बोला जाता था कि सिर्फ आपने क्या करना है आपने अपने घर का काम सीखो एंड सिलाई बुनाई जो भी है ये नॉर्मल काम कराए जाते थे अब के टाइम क्या है जो प्रेजेंट है अभी चल रहा है उस टाइम पे क्या है अभी माँ बाप जो है वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं और वो अपने अपने बच्चों को चाहते हैं अपनी लड़कियों को चाहते हैं कि वो आगे बढ़े ये जो लड़कियाँ हैं ये पहाड़ की लड़कियाँ हैं उत्तराखंड की लड़कियाँ हैं पूरी तो ये मुझे जितना एक्सपीरियंस है जो मेरा ये वाला बैच है ये जो लड़कियां हैं इनका जो विल पावर है भले इनसे नहीं हो रहा होगा बट ये अपनी जो करने की क्षमता है ये इसको बढ़ाती रहती हैं आगे और अपना हंड्रेड परसेंट ज़्यादातर लोग क्या होते हैं हंड्रेड परसेंट देते हैं जो पहाड़ के बच्चे होते हैं वो अपना हंड्रेड एंड वन परसेंट देते हैं और अपना विल पावर इन लोग का बहुत स्ट्रांग होता है और उस विल पावर की वजह से जब ये फर्स्ट वीक में आई थी तो इनका जो टाइमिंग था रनिंग का वो एट समथिंग था एट एट मिनट समथिंग था जो अभी टाइमिंग है इनका सिक्स मिनट समथिंग है वो इनके इन पर डिपेंड करता है इन्होंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है अपना फिजिकल इंप्रूवमेंट किया है अपना डिसिप्लिन इम्प्रूवमेंट किया है और अपना जो हेजिटेशन था और ये सब इम्प्रूवमेंट किया है हम आ, हम इनको ट्रेनिंग क्या देते हैं कि अभी इनको क्या है सीएमपी के लिए जाना है कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के लिए गई है हमारी पांच लड़कियां उसमें से पांच लड़कियां सेलेक्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी मेडिकल पास हो गया है और उनका जो फील्ड है वो निकाल चुकी हैं तो हम लोग इनको ट्रेनिंग देते हैं कि इनका सबसे पहले होता है इनका सिक्सटीन मीटर रेस होता है इनका वो होता है इनका फर्स्ट ग्रुप होता है सेवन पे इनको फर्स्ट ग्रुप लिया जाता है और जो एट होता है उसमें इनका सेकंड ग्रुप लिया जाता है उसके बाद होता है इनका नाइन फीट डिच होता है आ, इनको लॉन्ग जंप मारना होता है फिर उसके बाद होता है इनका तीन फीट का इनका लॉन्ग जम्प होता है तो जो हम लोग स्टार्टिंग कराते हैं वीक बाय वीक तो हम लोग पहले इनका स्टार्टिंग कराते हैं पहले इनका स्ट्रेचिंग होता है देन उसके बाद इनका रनिंग होता है नॉर्मली जॉगिंग होता है फिर बॉडी वार्म अप होने के बाद स्ट्रेंथिंग होता है फिर स्ट्रेचिंग होता है लास्ट में इनका कूलिंग डाउन एक्सरसाइज होती है ताकि जो बॉडी आपका गर्म हुआ है या आपने इतना काम किया है तो आपका जो मसल्स पुल वगैरह वो ना हो इस वजह से इनका कोलिंग डाउन होता है लास्ट में हम लोग इनको बिठा के अपने आप ताकि लड़कियां हैं लड़कियों के अंदर क्या होता है कि थोड़ा पानी की कमी होती है उसके कारण रनिंग कर रहे हैं इतना ज़्यादा जो स्वेट बाहर निकल रहा है तो उसके कारण पानी की कमी ना हो तो हम अपने सामने बिठा के इनको एक एक बॉटल पानी पिलाते ताकि ये लोग आगे और स्ट्रांग बनती रहे आइए अब बात करते हैं कैप्टन ताजवर सिंह रावत से जो यहाँ पर प्रशिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं हमारे यहाँ पर चल रहे हैं और कम से कम 20 से बाईस हजार लड़के यहाँ पर प्रशिक्षण ले चुके हैं और 8000 हजार से आसपास लड़के सेना का अर्थसैनिक बलों का हिस्सा बन चुके हैं यहाँ पर बच्चों का जो लिविंग है रहने का बंदोबस्त खाने का बंदोबस्त और ऐसे पूरा ग्राउंड वगैरह वगैरह है सब उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पर ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर कई बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं तो हमें फ्री में एम्बुलेंस और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर जो ट्रेनिंग गतिविधियाँ हैं सवेरे पाँच बजे से शुरू हो जाती हैं बच्चे अपना तैयारी होकर साढ़े पाँच बजे ग्राउंड में आता है और वहाँ पर रिपोर्ट लगने के बाद गर्ल्स कैंप से बच्चे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को वार्मिंग अप करते हैं क्योंकि अगर बिना वार्मिंग अप के हम लोग क्या करेंगे बच्चों दौड़ाएंगे तो उनकी मसल स्ट्रेन होती हैं कहीं ना कहीं बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है सबसे पहले वार्मिंग अप उसके बाद पंद्रह से बीस मिनट उनको यहाँ पर रनिंग कराया जाता है उसके बाद टेन फिट का लॉन्ग जंप कराया जाता है और तीन फिट का हाई जंप इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे यहाँ पर बच्चों को जो ट्रेनिंग से संबंधित कार्रवाइयाँ होती हैं या अपना जो तो डिस्प्लिन से संबंधित कार्रवाइयाँ होती हैं वो बताई जाती हैं यहाँ पर कई प्रोग्राम चलते हैं वो भी हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर, कराते हैं और समय समय पर इनका हम मोटिवेशन करते रहते हैं। दर्शकों, आज हम मिले ऐसी बहुत सी प्रतिभाशाली लड़कियों से जो यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से आकर कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण कर रही हैं, और साथ ही देश सेवा का जज्बा रखती हैं। ये सभी लड़कियाँ उन ढेरों भारतीय लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो देश सेवा के लिए आगे आना चाहती हैं आज के युवा जगत कार्यक्रम में दर्शकों इतना ही अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ तब तक हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार